साथ यास्मीन। अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो कि लोगों को खूब पसंद आ रहा है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा रकुल प्रीत सिंह और तब्बू भी नजर आई हैं। लेकिन इसी के साथ ट्रेलर में हैशटैग मीटू मामले से फंसे आलोक नाथ की भी झलक देखने को मिली है, जो कि लोगों को हजम नहीं हो रहा है और सोशल मीडिया पर फैंस जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ ट्वीट। ओनली थिंग दैट सरप्राइज मी इन दिस मूवी इज आलोक नाथ। Bollywood continues its double standard. Then why not bring back Sajid Khan and Nana Patekar and many others? What a shame that we have to see this rapist Alok Nath. Difference between Akshay Kumar and Ajay Devgan. Akshay Kumar take action against Me Too accused. Sajid Khan and Nana Patekar, he refused to work with them. So now how Alok Nath is still part of Ajay Devgan's starrer movie De De Pyar De? Where are you Me Too girls? Alok Nath comes with De De Pyar De trailer. Then why Nana Sajid Khan not allowed to do Houseful 4? तो देखा आपने, फिल्म का ट्रेलर तो लोगों को खूब पसंद आ रहा है, लेकिन ट्रेलर में आलोक नाथ को देखना लोगों को नागवार गुजरा है। यहाँ तक कि लोगों ने अजय देवगन और फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार को कटघरे में खड़ा कर उनसे ही सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आखिर फिल्म में आलोक नाथ क्यों नजर आ रहे हैं। हालांकि ट्रेलर लॉन्च के दौरान अजय देवगन से इस बारे में पूछा गया था, जिस पर उनका कहना था कि मी टू मूवमेंट के बाद, क्योंकि हमें ज्यादा बहुत सारे जो जिन एक्टर्स के ऊपर ऐसा कुछ आरोप या ये नाम आए थे, उनसे दूरी बना ले गई थी। आलोक नाथ सर से भी कई सारे लोगों ने उनसे भी दूरी बनाई थी। देखिए, आई थिंक ये सही जगह नहीं है बात करने की इसके बारे में। और जब जिनकी आप बात कर रही हैं, वो फिल्म उससे बहुत पहले कंप्लीट हो चुकी थी। थैंक यू सर। आपको बता दें कि हैशटैग मी टू मूवमेंट की शुरुआत बॉलीवुड में तनुश्री दत्ता ने की थी और आलोक नाथ पर विंटर नंदा ने आरोप लगाए थे। अब देखना ये होगा कि आलोक नाथ को फिल्म में देख विंटर नंदा कैसे रिएक्ट करती हैं। अब बात करें इस फिल्म की, तो बता दें कि अके वाले के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 17 मई को थिएटर्स पर दस्तक देगी। एक साथ तबू जी और आप सेम कॉलेज? नहीं तबू जी, यू वर इन कॉलेज विद द सेम जेंटलमैन? नो, आई वेंट टू कॉलेज इन बॉम्बे। ही फॉलोड यू टू कॉलेज इन बॉम्बे एंड वेटेड आउटसाइड फॉर 3 इयर्स, यू अंडरस्टैंड सर? बहुत साल के बाद मिला ना। Oh, very good. So, I love you, Bolo sir ko, everybody. Well done. Okay, are we ready for the press conference, guys? Yeah. Shall we go for it? Questions? Who's going to ask questions? Please tell us your name and be very nice. And remember, happy birthday. Bolna padega every time. Can we have one more mic? We have. Aur baatne niche to baat to aise. Ajay aur Tabbu, aap dono se sir. Sabse pehle Ajay, aapko जन्मदिन की बधाई। कहाँ हैं आप? आपके लेफ्ट में जी। आप दोनों से सवाल है कि आप दोनों ने साथ में पहले भी काम किया एंड बहुत अच्छे फ्रेंड भी रहे, कोई ऐसा यादगार जो आप दोनों से जुड़ा, कोई ऐसा? सर इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं, नहीं मतलब आप दोनों इसके दोस्ती से रिलेटेड? ये पूरा फिल्म स्क्रिप्ट है। हाँ, बट आई गेट द पॉइंट। जो अब तक नहीं हमने जाना हो वो हमारे दोस्ती से रिलेटेड बहुत चीजें हैं। अब बोलना शुरू करेंगे तो कल तक आपको बैठना पड़ेगा, तो सवाल से लंबा जवाब हो जाएगा। फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है कि आपका हाइट क्या है। हम लोग बहुत कुछ अपने बारे में बात कर चुके हैं, क्या बात नहीं की है वो याद नहीं है। हाय, हां, कैन आई आस्क? यस यस, इट्स अ डेमोक्रेसी, यू कैन आस्क, यू डोंट हैव टू आस्क, जस्ट आस्क। हां, आई जस्ट वांट टू नो लाइक व्हाट वी गेट टू अंडरस्टैंड, इट्स अ क्वर्की टेक ऑन रिलेशनशिप्स। So what do you guys think about urban relationships presently, like, you know, what's happening? What do you mean by urban relationships? The relationships these days. No, but be specific quickly. What kind of urban relationship, when there's an older woman, younger man, something like that? Older man, younger woman. Ajay, what would you like to say about it? Ma'am, the question is not clear. I mean, no. I don't know. I don't know the question exactly, but actually what you're asking has been said in the trailer itself. What is the take on that? What the same as the characters. Okay. Hi Ajay. It's complicated. Simple. But okay, why don't you answer? Because मैंने सुना कि आपका personal story है इसमें, maybe. अभी तक तो मैं 41 का ही हूँ यार, मैं तो 9 साल बचे। But first year junior college के बाहर, I've seen you standing many times at. अरे मैं fail हो गया था यार, घर जाना पड़ा था, मम्मी रो रही थी, पापा रो रहे थे। हाँ। क्या first year junior college? वो second script है। Have you somewhat answered your question? And Rakul, how is it working with the two veterans?
Of course, very good. Veteran bolne ke liye bahut. Bahut bahut. I say it was amazing. There goes the star cast now. You have to talk to me. Amazingly talented people, and they were extremely warm. And you all should not ask such questions. Ab hum log dono samne khade hain, hamare bare mein burai karke aap mujhe bataiye. And plus we've kept a teleprompter with the answers here. If she hates us also, hamare bare mein burai karegi. But it was amazing. Hi Ajay, happy birthday. Thank you. Ajay, is my film mein ek dialogue ke umr ke hisab se shauk palne chahiye. To 50 pe aapne kuch naya karne ki sochi hai, kuch chah rahe hain, kuch seekhna naya? Bhai split ke baad aur kya kar sakta hai aadmi? उम्र के हिसाब से शौक पालने चाहिए तो उम्र तो आप क्या सोचते हो अपने बारे में उस हिसाब से होती है ना, नंबर के हिसाब से होती नहीं है, तो शौक तो काफी है. Also, नहीं कोई नया शौक आपने पाला हो जो आप सीखना चाह रहे हो अब? मैम सेकंड क्वेश्चन के लिए पैसा देना पड़ेगा बिकॉज वी हैव अ सिस्टम हियर, वन क्वेश्चन पर पर्सन, टाइम की बात है इसमें. But I think he's at the fittest. Is it fair to say ki Ajay aapka jo form hai aur body shape jo hai, not the fittest, the last 3-4 years, so many of us, all my contemporaries all are so fit here. Yeah, but you really, I would say that your physique is better than it's ever been, whatever I've seen for the last 20 years. Is that fair to say? I think it must be a conscious decision because the intention was ke jo aap 25 saal ki umar mein kar sakte ho wo aaj bhi kar pao physically. Haan. And I'm happy that I feel that I can do exactly. And Akiv also, this is the best? I'm in best shape possible. Best shape in the last He's always been in one shape. Exactly in one shape. Consistent. Ajay sir, राहुल यर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे सर. और मेरा सवाल आपसे ये है सर कि कहावत तो एक आपने सुनी होगी बचपन में, अभी भी सुनते होंगे कि बूढ़े बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग आपसे यही कहते होंगे, हम सबसे कहते हैं कि दो नाव पे पैर रखे कभी सवारी मत कर, कुछ नहीं होगा तेरा. बट आप तो इस बात को सीरियसली ले लिए, नाव तो क्या, दो बाइक पे पैर रख के सवारी किया आपने, दो गाड़ी पे पैर रख के सवारी किया, दो घोड़े पे पैर रख के सवारी किया, फिर भी आज एक सक्सेसफुल एक्टर है, सक्सेसफुल पर्सन. क्या कहना इस कहावत के बारे में सर? फिल्मों में दो पैर पैर रखा था, रियल लाइफ में एक ही पैर, इसलिए सक्सेस है. और ये सारी चीज ओलिक्स पे अवेलेबल है. वांट टू से समथिंग? या ओके क्वेश्चंस. हाय तबू. हाय आतिका फारूकी फ्रॉम कलर सिनेप्लेक्स. हाय आतिका. हाय तबू. 50s is the 40s is the new 50s, 30s is the 40s new 40s is the new 50s. No, shayad main ulta bol. Okay, got it. You got my we had shut the alcohol, you know, na tabu band kiya tha daru. Sorry. You know tabu's career, aapki journey aur aapka jo pura graph raha hai, it's testimony to the fact ki beyond a point looks don't matter, it's your talent, the content that really matters. Or means I don't know, this is not sounding like a compliment. No. I'm kidding, but we know what she's saying. Beautiful youth concept. It doesn't matter actually. आप वेस्टर्न, आप हॉलीवुड को देखिए, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी दिए. एंड लव इज गॉट नथिंग टू डू विद एज, योर वर्क, योर टैलेंट इज गॉट नथिंग टू डू विद एज. क्या ऐसा टाइम आएगा जब सिनेमा लीड करता है आर्ट इमिटेट्स लाइफ एंड लाइफ इमिटेट्स आर्ट, ओल्डर मैन एंड यंगर वुमन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, दिलीप कुमार जी के जमाने से लेके आज तक हमने एग्जाम्पल्स भी सुने. Older woman and younger man ka concept, yes, yes. Wo bhi hai. Balance the market, balance, I mean, the market. Why not? Chinikam was the ulta hi tha. And would it be a safe bet at the box office? Hai koi jawab, ma'am? I don't think it's not been attempted. I think it's hum log soch rahe hain, I think it's attempted. I mean it's nothing, wake up, say it's a very normal it's thing. It's not a very, yeah, but it's not a very like, let Akiv answer this, no, because huge second perspective. अलग पर्सपेक्टिव ना, एक मेल ओल्डर मेल नाउ ओल्डर फीमेल, व्हाटएवर इज एक्सेप्टेड इन सोसाइटी आई थिंक फिल्म्स विल रिफ्लेक्ट दैट. आई थिंक द ओल्डर मैन यंगर वुमन कॉन्सेप्ट ऑफ फेनोमेना इज मोर वाइडली एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड एंड इन सोसाइटी, सो वी सी मोर ऑफ इट ऑन स्क्रीन. वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट अदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज एक्सेप्टेड, डेस्टिनेड मैन एंड एनी वुमन, दैट्स अ कंप्लीटली न्यू, हां, डेस्टिनेड मैन. तब यू वर सेइंग, या तब प्लीज कम. नो, आई एम श्योर दैट the society's choices and the way we live will reflect in cinema. Cinema is not happening in isolation. Yeah. And Ajay, as a producer, would that be as cool a concept on the big screen? It's not bad. I mean, likho. And who will you cast? Actually not bad. Yeah. Ajay, she wants to know, who will you cast then in that film with the older woman and younger man? You obviously younger man, older woman kaun? Pata nahi yaar, sochna padega. Sochna padega. Karthik. कास्टिंग करते हैं, वी विल हैव ऑडिशन, राउंड ऑफ ऑडिशन, एंड वी कम गेट बैक टू यू ऑन ट्विटर. ओके, थैंक यू. चलो, हाउ मच टाइम डू वी हैव फॉर क्वेश्चंस, लेट्स गेट अ फ्यू मोर इन फास्ट. यस,
शॉर्टर है सर माइक माइक नहीं तो चिल्लाओ हाँ व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट एक्ट्रेसेस हैविंग लेसर शेल्फ लाइफ देन एक्टर्स इन आवर इंडस्ट्रीज So, having lesser shelf life. So, taboo. यार, I think ये सवाल तूने 10 साल पहले लिखा होगा क्योंकि आज वक्त बदल चुका है. They have more shelf life, as much shelf life. But that's not true at all. I mean, I am sure everybody agrees. There's no difference in the shelf life anymore. था ये पहले, but अब नहीं है. But the number of actors are definitely more than the number of actresses if you count. So you have got a few Khans. You are there. Yeah, but it's changed. Lots of things are changing. She is here, Kajal is here, there's so many of them there. So things are changing. Aisa nahi hai ki aisa hota hi nahi hai. That's it? Ask some fun questions. Yeah, really? Actually, comedy also picture ask about the film now what if you don't deep mind. What deep conversation. We will give you Tabu and Ajay's direct numbers for questions on industry. So I'll ask a fun Ajay. Question. Love Ranjan is a part of this project. Yeah, he's right there. And his film, Sonu Ke... He also can't pronounce yeah, it. So Sonu Kafi hai. So while many of us actually loved the film, I also really liked the film. Some thought that it was a little misogynist. Ab cinema mein thoda sa, I think Love Ranjan can also answer and Akif can also answer. But Love Ranjan is not wearing appropriate clothes. Cinema kabhi kya hota hai, kuch aisi line cross karta hai. Which entertaining though it is, but at the same time, some people do have an objection You're to it. You're mistaking him for Chota Ranjan. This is Love Ranjan. He doesn't do all this. So while this film is also a lot of fun, but some people may think, yaar bhai ye kaise kaha aapne?